मुख्यमंत्री द्वारा जिला अस्पताल के पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी वार्ड, सिटी स्कैन वार्ड, साफ सफाई, चिकित्सीय व्यवस्था, दवाओं की उपलब्धता आदि का किया गया निरीक्षण। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री जी द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए जिला अस्पताल में स्थापित की गई टू नेट मशीन का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इस अवसर पर आजमगढ़ के CMO ने बताया कि यह टू नेट मशीन डबल सीरीज की है। एक दिन में लगभग 20 कोरोना मरीज की जांच इससे की जा सकती है। हम लोगों ने ये मशीन उपलब्ध करा दी और मुझे प्रसन्नता है कि इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। सभी 75 जनपदों में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है, सभी मेडिकल कॉलेजेस में मशीन उपलब्ध कराई जा रही है। यानी अब इमरजेंसी की सेवाएं, सेमी इमरजेंसी की सेवाओं को भी हम लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ कर पाएंगे और बड़ी मात्रा में लोगों को इससे राहत मिलेगी। यह कार्य आज यहाँ पर मैं इसी का निरीक्षण करने के लिए आया था। मैंने अभी समीक्षा की है। आजमगढ़ में 157,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक आया है, जिसमें से 85,900 से अधिक केवल 1 मई से यहाँ पर आया है। अब तक 54,000 प्रवासी कामगार और श्रमिक है और अन्य निर्माण श्रमिक है, उसे भरण पोषण भत्ता भी दिया जा चुका है। यानी 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता हम लोगों ने आजमगढ़ जिले में ही उपलब्ध करा दिया है। अगर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो ऐसे 34,00,000 से अधिक लोगों को ये सुविधा हम उपलब्ध करा चुके हैं। निर्माण श्रमिकों को दूसरी बार भी हम दे चुके हैं, उनमें 19,00,000 ऐसे लोग हैं जिन्हें दूसरी बार ये भरण पोषण भत्ता मिल चुका है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 86,71,000 वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पुष्टावस्था पेंशन धारकों को भी पेंशन की राशि समय से देने के साथ साथ 1,000 रुपये इस कोरोना संकट के दौरान अतिरिक्त उपलब्ध कराया है। PM पैकेज में पैसा उन्हें उपलब्ध हुआ है। प्रदेश के अंदर 3,56,00,000 जनधन अकाउंट धारी ऐसे हैं जिन्हें 500 रुपये प्रति माह इस अप्रैल, मई और जून का उनके अकाउंट में जा चुका है। 2,04,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये हर महीने अप्रैल, मई में प्राप्त कर चुके हैं। जून में ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। राशन 18,00,000,000 लोगों को छठी बार राशन की प्रक्रिया प्रदेश के अंदर वर्तमान में वितरित हो रही है। यानी ये सारे कार्य गरीबों के भलाई के लिए और कोरोना संकट से प्रत्येक नागरिक को उभारने के लिए किए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 20,00,000 करोड़ रुपये का PM पैकेज दिया है और PM पैकेज के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें विश्वास है कि ये जो PM पैकेज है, इस PM पैकेज के माध्यम से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचेगा।